अग 29 शिव मंदिर में ऋषि और जैस्मिन की शादी हो रही थी। शादी खत्म होने के बाद ऋषि और जैस्मिन करण के पैर छूने के लिए जैसे ही झुके, करण ने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो? ऋषि ने कहा, तुम्हारी वजह से आज हम साथ हैं, तो आशीर्वाद लेना तो बनता है। ये बोलकर दोनों करण के पैर छू लेते हैं। तभी काव्या को चक्कर आ जाता है। काव्या, काव्या, होश में आओ। करण उसे जल्दी से उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर खुराना, डॉक्टर काव्या, मेरी वाइफ ठीक तो है ना? घबराने वाली कोई बात नहीं है मिस्टर खुराना, वो बिल्कुल ठीक है। तो फिर वो चक्कर? शी इज प्रेग्नेंट। व्हाट? यस, शी इज प्रेग्नेंट फॉर 3 वीक्स। थैंक यू डॉक्टर। वो जल्दी से काव्या के पास जाता है। करण सीधा जाकर काव्या के होठों को हल्का सा किस करता है और उसके माथे से अपना माथा सटाकर कहता है, थैंक यू सो मच वाइफी। लेकिन हुआ क्या? वी आर प्रेग्नेंट। करण? काव्या बस करण के सीने से लग जाती है। करण, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? पता नहीं, बस ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, और खबरदार, जो मेरे बेटे को जरा सी भी टेंशन दी तो? आपको कैसे पता बेटा होगा? मुझे सब पता है, और भूलो मत, कायू के टाइम भी मैं बिल्कुल सही था। घर चले? काव्या अपना सर हाँ में हिला देती है। जब ये बात सबको पता चलती है तो सब खुश हो जाते हैं। यशी काव्या की बलाएं लेते हुए कहती है, हमेशा खुश रहो, और आज से जो नियम मुझ पर लागू थे वो तुम पर भी लागू होंगे। तभी यश कहता है, उसकी टेंशन तुम मत लो, याद है कायू के टाइम इसने अपना ऑफिस घर पर ही खोल रखा था? हाँ, और इस बार अपना और काव्या दोनों का ऑफिस यही खोलूंगा। फिर काव्या से कहता है, काम करने से मना नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी हर बात माननी होगी। जी, काव्या ने कहा। मम्मा, पेटू में मेरा भाई है। करण उसे गोद में उठा लेता है। बिल्कुल, वृंदावन में एक बार फिर से खुशियां आई थी, सब लोग खुश थे, तो क्या उनकी खुशियों को नजर लगेगी? मुंबई में एक बंद कमरे में विवेक कहता है, करण खुराना बाप बनने वाला है। करिश्मा ने कहा, हो लेने दो उसे खुश कुछ दिन, उसके बाद ऐसा वार करेंगे कि वो रोता रह जाएगा लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा। तभी कीर्ति जी ने कहा, बिल्कुल, ऐसा वार जो करण खुराना को कमजोर कर देगा। तभी करिश्मा ने कहा, एक ऐसा वार जो द बिलेनियर करण खुराना को तोड़ कर रख देगा। हर दिन तड़पता रहेगा लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा। वो याद रखेगा हमारा नाम, याद रखेगा कि ये तकलीफ हमने उसे दी थी। वृंदावन में करण के कमरे में, करण क्या कर रहे हैं आप तब से? कुछ नहीं, बस काम सेटल कर रहा था। अच्छा हाँ, मैं सोच रहा था हम लोग नीचे शिफ्ट हो जाते हैं। क्यों? मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। हे भगवान करण, क्या? मैं तो बस कह रहा था। कुछ नहीं, सो जाइए। करण जाकर कायरा को किस करता है और फिर काव्या के पेट पर भी और फिर काव्या को भी। मेरी इम्पोर्टेंस कम हो रही है? काव्या ने कहा, बिल्कुल नहीं। अच्छा हाँ। करण उसे हग करके सो जाता है। 2 महीने बाद हॉस्पिटल में यश और करण दोनों इधर से उधर घूम रहे थे। काव्या कायरा और वाणी के साथ वहीं बैठी थी। तभी काव्या कहती है, करण, यश भाई, बैठ जाइए आप लोग। तभी करण ने कहा, काव्या, ये डॉक्टर कब से अंदर है, कुछ बता भी नहीं रहे हैं। करण, आप शांत हो जाइए, देखिए भाई भी पैनिक कर रहे हैं। काव्या, डिलीवरी का टाइम 3 हफ्ते बाद का था, ऐसे अचानक ऑपरेशन के लिए कहा इन्होंने? यश ने कहा, भाई वाटर बैग फट गया था तो बच्चे ने गंदा पानी पी लिया, इसीलिए ऑपरेट करने को कहा है। तभी डॉक्टर बाहर आए। यश ने घबराते हुए पूछा, डॉक्टर, मेरी वाइफ? वो बिल्कुल ठीक है, और बधाई हो, बेटा हुआ है। ये सुनकर सभी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। यश ने पूछा, हम उससे मिल सकते हैं? जी, लेकिन एक एक करके। हाँ ठीक है, करण ने कहा। यश भाई, आप पहले जाइए, काव्या ने कहा। हाँ यश, तू भाभी से मिल ले, मैं बाकी चीजें देख लेता हूँ, करण ने कहा। मुझे भी छोटू से मिलना है, वाणी ने कहा। तभी काव्या ने कहा, बच्चा पहले पापा को मिलने दो, फिर हम उससे मिलेंगे। नहीं, मुझे अभी मिलना है। अच्छा अच्छा सुनो, इधर आओ, वाणी को अपने पास बुलाकर, एक बात बताऊं, छोटू के लिए आपने और कायू ने क्या क्या तैयारी की है? तभी वाणी बताना शुरू करती है, बहुत सारे टॉयज हैं और चॉकलेट भी है। अच्छा,
तो अगर आप छोटू से मिलने गए और किसी ने टॉयज और चॉकलेट चुरा लिए तो? नहीं तो चलो मैं और आप और कायू घर चलते हैं और वहां तैयारी करते हैं, काव्या ने कहा। ओके चाची। करण आप रौनित से कहकर हमें घर पहुंचवा दीजिए, तभी यश ने कहा। नहीं काव्या अकेले नहीं, यश वर्मा और करण खुराना के दुश्मन कम नहीं है। फिर करण से कहा, तू सबके साथ घर जा, यहाँ मैं और रौनित देख लेंगे। करण ने हामी भरी। करण सभी को लेकर घर निकल जाता है। यशी के प्राइवेट रूम में यशी बेड पर लेटी थी और उसके पास ही एक फूल सा बच्चा लेटा था। यश ने यशी का माथा चूमते हुए कहा, थैंक यू मुझे एक बार फिर से खुशी देने के लिए। आप ठीक हो? हाँ मुझे क्या हुआ है, झूठ मत बोलिए, मुझे ऐसी हालत में देखकर आप बहुत डर गए थे ना। यश ने उसे गले से लगा लिया। हाँ डर गया था, बहुत ज्यादा डर गया था। यशी मैं एक बार को शायद बच्चे को खोकर रह भी सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं। हाँ मैं मानता हूँ करण जितना दिखाता नहीं हूँ, लेकिन बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मैं भी, यशी ने कहा। यश उससे अलग होकर कहता है, उसका हाथ चूमता है। आई लव यू यशी, आई लव यू टू यश। तभी बगल में सोया उनका बेटा रोने लगता है। यश उसे गोद में लेकर कहता है, हाँ क्या हुआ, गुस्सा हो गया आप कि पापा ने आपके पहले मम्मा को प्यार किया? हाँ गुस्सा है वो आपसे। कोई बात नहीं, पापा मना लेंगे अपने बेटू को, है ना, है ना। यश उसके साथ खेलने लगता है। तभी यशी ने कहा, मेरी लाइफ में आने के लिए थैंक यू यश, थैंक्स टू यू। वैसे इसका नाम क्या सोचा है आपने? वो काम मैंने करण पर छोड़कर रखा है, तभी यशी ने कहा। अच्छा वो कीर्ति करिश्मा और विवेक के बारे में बताया कुछ करण ने? नहीं, लेकिन वो भूल जाता है कि हम दोनों का खून नहीं दिल का रिश्ता है। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मुझसे कुछ छिपा नहीं सकता। खैर बस एक बार इन लोगों का पता लग जाए, बस ये कोई मुसीबत ना खड़ी करें, यशी ने कहा। तुम अभी टेंशन मत लो, घर कब चलेंगे? बात कर ली है डॉक्टर से, बस छोटू के कुछ टेस्ट करने हैं, उसके बाद चलते हैं। यश नींद आ रही है। पहले इस बच्चे को सुला दूं, फिर तुम्हें भी सुला देता हूँ। यश कुछ देर बच्चे को थपकी देता है और उसके सोने के बाद उसे पालने में लेटा देता है। आओ, यशी उसके सीने पर सर रख लेती है। ज्यादा दर्द तो नहीं है ना, यश ने उससे पूछा। तभी यश ने कहा, पता है जब करण ने तुमसे शादी की बात की थी तो मैं बहुत खुश था, लेकिन मेरी फैमिली की जो पुरानी यादें थी उस वजह से डर भी था कि पता नहीं तुम कैसी हो, करण के लिए तुम कभी मेरा प्यार समझोगी या नहीं। बहुत सी बातें चल रही थी दिमाग में, लेकिन जब तुमसे मिला तो पता चला कि करण हमेशा सही होता है। आज ये सब क्यों? यशी आज जब तुम्हारी ये हालत देखी ना तो मैं बहुत डर गया था, ऐसा लगा जैसे अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं अपना सब कुछ खो दूंगा। यश आप भी ना। क्या करूं, करण को तो अपना कुछ भी याद नहीं था, लेकिन मैंने तो सब कुछ अपनी आंखों के सामने खोया था। पापा मम्मा फिर दादू, करण मेरा परिवार था, लेकिन जैसे कभी कभी उसे फैमिली की जरूरत महसूस होती थी वैसे मुझे भी होती थी, लेकिन अगर मैं टूट जाता तो करण भी बिखर जाता, इसीलिए खुद को मजबूत रखा, लेकिन आज नहीं रोक पाया खुद को रोने से। सच कह रहा हूँ यशी, नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बगैर, मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। कुछ मत कहिए, मैं तो बस। इसके आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाया क्योंकि यशी ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए थे। यशी उससे अलग होकर बोली, खबरदार जो आपने अब एक भी बार ये बात अपनी जुबान पर लाई तो। यश ने उसे सीने पर लेटा कर कहा, नहीं कहूंगा। लव यू यश, लव यू टू यशी। 30 वृंदावन में करण और काव्या मिलकर सारी तैयारी कर चुके थे। शाम तक यश यशी और बच्चा भी घर आ गए थे। शाम का समय करण जब कमरे में आया तो काव्या अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। करण उसका सर सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ? काव्या ने आंखें खोली और कहा, कुछ नहीं बस तबीयत थोड़ी खराब लग रही है। दवा ली थी तुमने? हाँ बस थोड़ी लेट सी ली थी, टाइम पर लेना चाहिए था ना। वो सब छोड़िए, पंडित जी से बात हुई आपकी? हाँ, नामकरण के लिए 7 दिन बाद मुहूर्त है, कोई नाम सोचा है आपने? हाँ सोचा है। क्या? मानता हूँ बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, लेकिन ये सीक्रेट है इसीलिए कोशिश भी मत करना। काव्या ने हामी भरी। करण उसे वापस लेटाकर लाइट्स ऑफ कर देता है। 7 दिन बाद करण रौनित से कहता है, रौनित जल्दी करो पंडित जी आते ही होंगे।
सब कुछ हो गया है सर। तभी पंडित जी आ जाते हैं। आइए पंडित जी, वाणी जाओ पापा को बोलो कि वो नीचे आ जाए। ओके चाचू, चल कायू। थोड़ी देर बाद सभी लोग वहां आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद पंडित जी कहते हैं, यजमान अब आप बच्चे का नाम व अक्षर से रखें। इसका भी व? काव्या ने कहा, भाई मुझे क्या, ये ड्यूटी करण की है। करण ने स्माइल करके कहा, मुझे पहले ही पता था। तो बताइए क्या नाम सोचा है आपने? काव्या ने कहा, वंश। चाचू ये नाम तो मुझे पसंद था, वाणी ने कहा। करण उसे गोद में उठाकर बोलता है, तो मैं क्या अपनी वाणी की बात टाल सकता हूँ कभी? वाणी उसके गाल पर किस करके कहती है, नो यू आर द बेस्ट चाचू इन द वर्ल्ड। थैंक यू बच्चे। सभी को नाम पसंद आता है, लेकिन यश की आंखों में आंसू थे। क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है? करण ने कहा। यश उसे गले लगाकर कहता है, ये नाम तो तेरे दादू का है। हाँ तो एक बात याद रख, तेरे बच्चों पर तुझसे पहले मेरा हक है और मेरे बच्चों पर तेरा। तो अगर मैंने अपने बच्चों को अपने दादू का नाम दिया तो क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, यश ने कहा। सभी लोग पंडित जी को दक्षिणा देकर विदा करते हैं। यशी कहती है, करण भाई आज तो आपको काव्या को लेकर हॉस्पिटल जाना है ना? हाँ भाभी, बस यहाँ का काम हो जाए तो निकलता हूँ। यहाँ मैं देख लूंगा, तू जा, यश ने कहा। ठीक है चलो काव्या, करण ने कहा और दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। काव्या की चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा, करण देखो काव्या वैसे तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके खाने पीने पर ध्यान दो, आखिरकार दो लोगों की जिंदगी है उसके पेट में। करण असमंजस में बोला, दो लोग? हाँ जुड़वा। ओह ओके, मैं उसका ध्यान रखूंगा। फिर वो कुछ रुक कर बोलता है, आप प्लीज उसे ये मत बताइएगा। बिल्कुल नहीं। गाड़ी में काव्या कह रही थी, क्या कह रहे थे डॉक्टर साहब? कुछ नहीं, ध्यान रखने को कहा था बस। करण ने मन में सोचा, जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली हो तो तुम ज्यादा टेंशन लोगी, इसीलिए बेहतर है कि अभी तुम्हें कुछ ना बताया जाए। वैसे एक बात तो होगी, हमारा बड़ा बेटा बिल्कुल मेरी परछाई होगा। करण खुराना की दिल और दिमाग का कॉम्बिनेशन और छोटे बेटे की शक्ल भले मुझ पर ना जाए, लेकिन वो बिल्कुल तुम्हारी तरह होगा। मन में क्यों मुस्कुरा रहे हो? काव्या ने पूछा। कुछ नहीं, मैं बस बच्चे के बारे में सोच रहा था। काव्या ने हामी भरी। दिन बीतने लगे, करण अब काव्या का पूरा ध्यान रखता। यशी की मम्मी ने उसे बनारस बुला लिया था कुछ दिन के लिए। यश भी किसी काम से बाहर ही था कुछ महीनों से। ऋषि और जैस्मिन फिलहाल मनाली में थे। 6 महीने बाद वृंदावन में काव्या और करण दोनों कमरे में बैठे काम कर रहे थे। तभी अचानक काव्या को दर्द शुरू हो गया, लेकिन उसने फॉल्स लेबर पेन समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वो चीख पड़ी। करण जल्दी से उसे लेकर हॉस्पिटल गया। उसने रौनित से कायू को संभालने को कहा। हॉस्पिटल में करण ने कहा, डॉक्टर डॉक्टर। तभी डॉक्टर वहां आते हैं, डॉक्टर प्लीज मेरी वाइफ को देखिए। नर्स इन्हें अंदर लेकर चलो। मिस्टर खुराना आप तब तक सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। जी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं, हमें उनका ऑपरेशन करना होगा, लेकिन अभी तो सिर्फ 8 महीने हुए हैं। उन्हें कोई ड्रग दिया गया है जो मिसेस खुराना को तो कोई हार्म नहीं करेगा, लेकिन अगर उस ड्रग की एक भी बूंद बच्चे तक पहुंच गई तो आप बच्चे को खो देंगे। इसमें उन्हें कोई हार्म तो नहीं है ना? जी नहीं। ओके, आपको जो भी ठीक लगे वो आप कीजिए। श्योर। डॉक्टर के जाने के बाद करण ने खुद से कहा, काव्या को ड्रग किसने दिया होगा? वहीं पास खड़ी एक नर्स जिसने मास्क पहन रखा था वो वहां से निकलकर बाहर आई और किसी को फोन करके कहा, काव्या और उसका बच्चा ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दूसरी तरफ तो आगे क्या सोचा है? तभी नर्स ने कहा, विवेक मैं काव्या और करण को खुश नहीं रहने दे सकती। विवेक ने कहा, तो क्या करोगी तुम करिश्मा? करण के घर में घुसकर तुमने काव्या को वो ड्रग दिया जिसकी वजह से वो वहां है, लेकिन उसकी किस्मत कुछ ज्यादा अच्छी है जो वो बच गई। तो अब खुश तो मैं दोनों को किसी भी कीमत पर नहीं रहने दूंगी। मैं कुछ सोचती हूँ, तुम बस गाड़ी लेकर तैयार रहना। ठीक है, जो भी हो बता देना, विवेक ने कहा। करिश्मा फोन रखकर खुद से कहती है, बहुत हो गया अब ये खेल, अब मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टर जैसे ही बाहर आते हैं, करण कहता है, डॉक्टर काव्या और मेरा बच्चा? दोनों बिल्कुल ठीक है, बस आपका बेटा थोड़ा वीक है इसीलिए उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। ये सुनकर दूर खड़ी करिश्मा ऑब्जर्वेशन रूम की तरफ बढ़ जाती है।
करण पूछता है, क्या मेरे दोनों बच्चे वीक हैं? नहीं, सिर्फ आपका बड़ा बेटा। छोटा बेटा तो बिल्कुल फिट है, वो मिसेस खुराना के ही रूम में है। और हाँ, मिसेस खुराना ड्रग की वजह से बेहोश है, उन्हें होश में आने में 6 घंटे लगेंगे। फाइन। ऑब्जर्वेशन रूम में करिश्मा बच्चे के पास आकर कहती है, तो तुम हो करण खुराना के बेटे? वैसे तो मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन क्या करूं, तुम्हारे जो माँ बाप है ना, उनसे मुझे नफरत है, और इसीलिए उनके बदले तकलीफ तुम्हें होगी। बेचारा करण खुराना। तभी करिश्मा को किसी के आने की आहट सुनाई देती है, वो जल्दी से वहीं छुप जाती है। उसकी नजर करण पर जाती है, जो कि डॉक्टर के साथ वहां आया था। डॉक्टर, एक बात समझ नहीं आई, मेरा छोटा बेटा बिल्कुल फिट है, तो फिर बड़ा बेटा वीक, ऐसा क्यों? करण ने कहा, दरअसल ये उस ड्रग का असर है। वैसे एक बात है, आपके बड़े बेटे के हाथ पर एक अलग सा निशान है, त्रिशूल के जैसा। जी हाँ, ठीक वैसा ही निशान मेरे पापा और मेरे हाथ पर भी था, इसीलिए आप चिंता मत कीजिए। ओके, आप एक बार उससे मिल लीजिए। जी। करण अपने बच्चे के पास जाता है और मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरता है और कहता है, करण खुराना के दिल और दिमाग का कॉम्बिनेशन हो तुम बिल्कुल, मेरी परछाई, मेरा बेटा। ये बोलकर उस बच्चे का माथा चूम लेता है और जैसे ही हटने लगता है, बच्चा करण की एक उंगली पकड़ लेता है। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।